नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और मैं आज आपके बीच पुनः रटी क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो कि मोशन चैप्टर से जुड़ा हुआ है और ये आपको कम्पिटेटिव एग्जाम में तथा अन्य एजुकेशन के फील्ड में खास करके आपका जो अभी पॉजिटिव क्वेश्चन बेस्ड एग्ज़ाम होता है उसमें काम देगा। तो मोशन चैप्टर से मैंने लगभग इसके टोटल क्वेश्चंस को जो इसमें कलेक्ट हो सकते हैं उसको मैंने इसमें लिया है, प्रयास किया है कि मैं पूरा का पूरा आपको ये क्लियर करा दूँ और थोड़ा इसके डिटेल्स में भी जाऊँ तो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, तो आप अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको पूरा समझ में आए। तो पहला क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में क्या होते हैं, मतलब एक समान वृत्तीय गति यदि हो सकता है तो उसमें क्या क्या कंडीशन होता है। चाल और वेग दोनों अचर होंगे, चाल और वेग दोनों ही चर होंगे, चाल चर होगा और वेग जो है वो अचर होगा, चाल अचर होगा और वेग चर होगा। तो देखिए इसमें जब भी होता है तो क्या कंडीशन आ जाते हैं कि हमेशा जो है वो चाल जो है वो क्या रहेगा, अचर रहेगा और वेग जो है वो चर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्न में कौन जो है वो एक सदिश नहीं है, मतलब विस्थापन, चाल, त्वरण और जो है भार। इसमें से देखिए विस्थापन, त्वरण और चाल ये भार ये तो क्या है, एक सदिश राशि है, तो चाल इसमें से जो है वो क्या हो जाएगा, अदिश राशि, यानी कि इसका ऑप्शन बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि विस्थापन की दर है, तो विस्थापन परिवर्तन की जो दर है वो कहलाती क्या है, वेग कहलाता है, वेग होता है, तो विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहलाता है, इसका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सदिश का परिमाण कभी भी नहीं होता, मतलब सदिश जो होते हैं उसका परिमाण कभी भी नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है इसमें से, शून्य नहीं होगा, भिन्नक नहीं होगा, धनात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। तो देखिए सदिश का जो परिमाण होता है वो हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। पाँचवा क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है, तो अचल चाल से जो भी गतिशील होंगे उसका जो दूरी समय ग्राफ होगा वो हमेशा सरल रेखा में होगा, एक सरल रेखा में। अगला क्वेश्चन देखिए, सिक्स नंबर कहता है हमारा कि वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति में क्या हो सकता है भाई, तो वृत्तीय गति में जो है देखेंगे तो इसका जो आंसर है ऑप्शन में से बी पे चला जाएगा, वो है गति की दिशा में लगातार बढ़ती है, वृत्तीय गति जो है, वृत्तीय गति में गति की दिशा में गति की दिशा जो है लगातार बदलती है, सॉरी लगातार बदलती है, इसका मतलब देखिए क्या है कि चूँकि वो सर्कुलर है तो उसमें गति की जो दिशा है वो सीधा नहीं रह सकता है, वो हर क्षण जो है वो हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, बदल रहा है, तो इसका आंसर बी के साथ चला जाएगा। ओमेगा ये संकेत है, डब्ल्यू जैसा जो संकेत है, ओमेगा संकेत है किसका, ओमेगा संकेत है तो ये जो है कोणीय वेग को जो है ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओडोमीटर से मापा जाता है, तो ओडोमीटर से क्या चीज़ को मेज़र किया जाता है, तो ओडोमीटर और स्पीडोमीटर होता है, तो स्पीडोमीटर से तय की गई जो तय जो चाल है उस समय ताक्षणिक जो जो चाल होती है उसको मेज़र किया जाता है और ओडोमीटर से तय की गई दूरी को मेज़र किया जाता है। नाइन नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल मात्रक के रूप में निरूपित होता है, मतलब चाल समय ग्राफ के नीचे जो क्षेत्रफल होता है उसका मात्रक के रूप में क्या निरूपित होता है। देखिए चाल ये हमेशा जो है, चाल समय ग्राफ जो है वो जब कभी भी होगा तो उसका क्षेत्रफल होगा तय की गई दूरी का निरूपण करता है, इसका मतलब उसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर होगा, ए नंबर ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, वो क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमारा कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है, मतलब कोई वस्तु है जिसका विस्थापन जो है वो शून्य है तो तय की गई उसका दूरी क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, शून्य नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, शून्य शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है, तो इसका आंसर जो है वो क्या चला जाएगा, इसका आंसर डी के साथ चला जाएगा, शून्य भी हो सकता है और ऐसा हो सकता है कि वो शून्य ना भी हो तय की गई दूरी, क्योंकि विस्थापन अगर शून्य है तो ज़रूरी नहीं है कि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी शून्य ही हो, क्योंकि कोई वस्तु जो है कहीं मतलब मान लीजिए कि आप अपने घर से स्टार्ट होते हैं जाना
और कोई वहाँ काम करके पुनः घर तक आ जाते हैं, तो घर तक जब आ जाते हैं आपके में विस्थापन कितना हुआ, तो शून्य हुआ, लेकिन आपने तय की है दूरी, तय की है तो दूरी शून्य नहीं हो सकता है, ऐसा भी होगा कंडीशन। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से दौड़ता है और दौड़ते हुए वो जो है करीब 1.25 घंटा यानी 1/4 घंटे जो है मैं स्कूल पहुंचता है, तो उसको दूरी बताना है कि उसके घर से उसके स्कूल की जो दूरी है वो कितनी है, आपको ये बतानी है। तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर आप जानते हैं दूरी बटा समय, तो दूरी निकालनी है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे उससे, तो लगभग जो है यहाँ पर क्या है उसका एक किलोमीटर जो है उसका क्या पता चलेगा आपको कि 1 किलोमीटर जो है उसकी दूरी है, तो सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिणाम उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा, तो यहाँ पर वस्तु द्वारा क्या होगा, तो तय की गई दूरी से हमेशा बराबर होगा, तय की गई दूरी से हमेशा अधिक होगा, तय की गई दूरी से हमेशा कम होगा, तय की गई दूरी से कम होगा, तो इस तरीके का इसमें ऑप्शन है, तो इसका आंसर जो है वो क्या होना चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है कि किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिणाम उस समय अंतराल में वस्तु का क्या होगा, तो तय की गई दूरी से कम हो सकता है, हमेशा कम होगा ऐसा जरूरी नहीं है, कम हो सकता है, ठीक है, तो डी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। कोई एक 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक कार 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगा वो बताना है, मतलब 1 घंटे में वो 36 किलोमीटर जाता है तो 1 सेकेंड में जो है ना वो कितना इसमें तय करेगा, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर, इसमें से कौन सा आंसर जो है आपका होगा, आप दिमाग में कैलकुलेशन कर दीजिए, पहले इसे चेंज कर लेंगे आप किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं भाई, तो इसको जो है आप हमेशा 5/18 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कटता है 18 × 2 = 36 यानी कि 2 × 5 = 10, तो 10 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन के साथ चला जाएगा ये। अगला देखते हैं, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें कि मैं इस दोनों के बीच में रिलेशन स्थापित करने के लिए बता दूंगा कैसे मैं किसी चीज़ को निकाल करके फाइंड करके बताता हूं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि, इसका मतलब क्या होगा, हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वस्तु का वेग शून्य है, वस्तु का वेग जो है एक समान चाल से चल रही है, मतलब वस्तु जो है एक समान चाल से चल रही है, वस्तु का त्वरण अचर है या वस्तु में जो है समान वेग है। देखिए अगर दूरी के साथ कंपेयर किया गया है समय को, तो दूरी के साथ अगर समय को कंपेयर किया है तो चाल के बारे में बता रहा है, तो इसमें वेग नहीं होगा, त्वरण नहीं होगा, और तो वेग और त्वरण हुआ नहीं, तो एकमात्र ऑप्शन बी है जो कि क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि दूरी वस्तु एक समान चाल से चल रही है, इसका मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा लेट लगेगा बंधु, लेकिन मैं इसके ऑप्शंस को आपके बीच क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि किसी कार की चाल जो है वो 20 सेकेंड में वो क्या होता है 20 किलोमीटर प्रति आवर से 50 किलोमीटर प्रति आवर हो जाता है, तो उस कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में अंतर बटा समय, तो यहाँ पर वेग में अंतर कितना है भाई, तो वेग में अंतर है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर को अगर आप चेंज करने का आसपास करो तो चेंज कर लीजिएगा उसको मीटर प्रति सेकेंड में, और उसके बाद आप क्या करेंगे 30 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लेंगे, उसके बाद आप 10 से उसको भाग दे दीजिएगा, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, और यहाँ पर इसका जो आंसर आता है वो आता है डी नंबर 0.83 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बंधु, आगे चलते हैं, आगे 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा पर एक हो तो दोनों राशियां क्या होगी। देखिए अगर ये दो राशियां हैं और दोनों का परस्पर ग्राफ जो है एक सरल रेखा पर है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि वो अनुक्रमानुपाती है,
मतलब एक दूसरे के समानुपाती है। हाँ, समानुपाती यानी कि रेसिप्रोकल है ये, ठीक है।